All my dear friend, you are welcome to Abhinav classes. My name is Abhimanyu Kumar. I am faculty in physics together from Patna. Hello, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम electrostatics branch का पहला topic, यानी electric charge and electric field, इसको हिंदी में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी electric charge को हम full discuss करेंगे। electric charge क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस संसार में इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज नहीं हुआ रहता तो शायद हम जितने भी यूट्यूबर वीडियो डालते हैं वो शायद नहीं डाल पाते। क्यों नहीं डाल पाते? मोबाइल लैपटॉप चार्जर नहीं होता तो क्या हम वीडियो प्रोवाइड कर पाते? नहीं कर पाते। इस पर जो भी हम टॉपिक पर बात करेंगे सिर्फ चार्ज टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चार्ज को सर्वप्रथम एक थेल्स मिलिटन जगह पर खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? विद्युत आवेश की खोज, आवेश को खोज। देखिए आवेश की खोज यहाँ पर थेल्स ऑफ मिलिटस ग्रीस जगह पर खोजा गया था। यह खोज 600 BC में खोजा गया था। यानी थेल्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज थेल्स ऑफ मिलिटस यानी ग्रीक जगह पर 600 बीसी ईस्वी में खोजा गया था। इसको हम एम्बर या इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब याद कीजिए इसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है। जब हम 5 या 6 कक्षा में पढ़ा करते थे तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्केल लिया करते थे। उस स्केल को हम अपने बालों में रबिंग करते थे। जब रगड़ते थे तो यहाँ पर आपका बालों में जब रगड़ा करते थे तो स्केल कुछ पल तक क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था। यानी जो गर्म टाइप का होता था उसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। यानी कुछ पल तक इसको आपका स्केल चार्ज हो जाता था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। उसी तरह मोबाइल भी, मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है। यानी बैटरी यह एक पावर होती है। उस पावर में अपना एनर्जी स्टोर हो जाता है। उस चार्ज करते हैं तो वह अपना एनर्जी भरपूर ले लेता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी मोबाइल की बैटरी एक स्टोर है, यानी चार्ज का स्टोर है। उसके बाद स्टोर अपना पूर्ण कर लेने के बाद वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? चार्ज समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर थेल्स ऑफ मिलिटन जगह पर, ग्रीस जगह पर, यहाँ पर 600 BC ईस्वी में एम्बर या इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, या 600 BC में इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज में चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर फोटोन को ले लिए, यहाँ पर भी फोटोन को ले लिए। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि फोटोन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर फोटोन और फोटोन में यह एक ऐसा गुण पाया जाता है कि यह एक दूसरे के दूर भागने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कोई फोटोन लिए, यहाँ पर भी कोई फोटोन लिए। इस फोटोन को हम क्या करिए? रॉबिंग यानी घिस कर चार्ज कर दिए। इस फोटोन को भी घिस कर चार्ज कर दिए। तो फोटोन में यह एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके बदौलत यह फोटोन एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यह इसमें रिपेल करेगा। अगर मान लेते हैं सपोज डेट इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन्स में
इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। इसके यह इसके अंदर एक यह है ऐसा प्रॉपर्टी छुपाया जाता है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अब मान लेते हैं सपोज डेट फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं फोटोन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज है, तो हम जानते हैं कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, यानी एक दूसरे को करीब आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इसका फोर्स क्या लगेगा, इधर के तरफ क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर रिपेल को हम हिंदी में प्रतिकर्षण बोलते हैं, यहाँ पर रिपेल को भी क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। इसको क्या बोलते हैं, आकर्षण। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला ब्रांच हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज सर्वप्रथम थेल्स ऑफ मिलेटस यानी ग्रीक स्थान पर हुआ था। इसका खोज 600 BC पश्चात ईस्वी में हुआ था। इसको एम्बर या इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई फोटोन ले लिए, यहाँ पर भी कोई फोटोन लिए, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि फोटोन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। फोटोन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब मान लेते हैं इस फोटोन और इस फोटोन को हम घेस कर क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। तो इस फोटोन में यह एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके बदौलत एक दूसरे के दूर भागने की कोशिश करेगा, यानी फोटोन फोटोन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि ऑलरेडी कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्या होगा, रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। अब यहाँ पर फोटोन ले लिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इस फोटोन पार्टिकल्स को हम घेस कर क्या कर दिए, चार्जहीन बना दिए। इस फोटोन को भी हम घेस कर चार्जहीन बना दिए। अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि फोटोन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तब फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक मतलब क्या होगा, एक दूसरे के करीब आना चाहेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर समान प्रकार के, यहाँ पर भी फोटोन है, यहाँ पर भी फोटोन है, यानी लाइक चार्ज है। इसको क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज आर अटैक्ड, लाइक चार्ज आर अटैक्ड, रिपेल। अनलाइक, यहाँ पर कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, डाई चार्ज इज अटैक्ड। कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी फोटोन है, यहाँ पर भी फोटोन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर फोटोन और फोटोन क्या है, एक समान। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक समान है, यानी लाइक चार्ज आर रिपेल। यानी कोई भी हम लाइक चार्ज लेंगे, यानी एक समान का चार्ज लेंगे, तो वह एक दूसरे को विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई अनलाइक चार्ज लेंगे, अनलाइक चार्ज मतलब क्या होता है, कहीं फोटोन लेंगे तो दूसरे तरफ क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स में यह एक ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है कि एक दूसरे के क्या क्या, क्या होता है, अटैक्ट करता है। यह एक एक दूसरे के अटैक्ट करता है, यानी एक दूसरे के पास आना चाहेगा। अब नीचे के तरफ हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर फोटोन है, यहाँ पर भी क्या है, फोटोन है। इस फोटोन को हम घिस कर चार्ज कर दिए, और इस फोटोन को हम घिस कर चार्ज कर दिए। अब इस फोटोन फोटोन में यह एक ऐसा गुण पाया जाता है कि यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपेल करता है। यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होता है, इधर के साइड में भागना चाहेगा, यहाँ पर
जो फोर्स क्रिएट होता है और यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स लिए, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो मान लेते हैं एक दूसरे को बाहर की दिशा में भागेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, तो उस पर कुछ बल लगेगा ना जी, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन ले लिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का अटैक करते हैं। तो इसके माध्यम से जो फोर्स क्रिएट होता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।